नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 और मैं हूं आपके साथ शिवानी। देश को बाहरी ताकतों से बचाने वाला, हमारी रक्षा करने वाला, 24 घंटे सीमा पर पहरा देने वाला सेना का जवान, जिसकी बदौलत हम चैन की नींद सो पाते हैं। उस सेना के जवान की बदहाल जिंदगी के बारे में शायद ही आपको पता होगा। आइए हम आपको बताते हैं एक वीडियो के जरिए कि कैसे एक जवान ने अपनी तकलीफों को साझा किया। वीडियो में उसने बताया कि कैसे सेना के अफसर उनका और उनके परिवार का शोषण करते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स जो कि खुद को जवान बता रहा है, वो सेना के अफसरों पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए दिख रहा है। उसका आरोप है कि सेना के अफसरों की पत्नियां जवानों और उनकी पत्नियों का शोषण करती हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं ये वायरल वीडियो। जवान लाता है अपनी परेशानी से, लेकिन उसको फैमिली वेलफेयर सेंटर में स्ट्रेस किया जाता है, क्योंकि इनकी मेन साहब लोगों को भी कमांड करनी है। इनकी मेन साहब लोगों को कमांड करने के लिए चाहिए, क्योंकि घर में खाना बनाने के लिए जवान है, जूता पॉलिश करने के लिए जवान है, घर की सफाई करने के लिए जवान है। 20 से 25 से 30 जवान तक इनके घरों में लगे रहते हैं, जो कि एक सबसे बड़ा घोटाला है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इस पर कोई नज़र नहीं रख रहे लोग, इस पर कोई बोलने को खुश नहीं है, लेकिन हम बोलेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। इनकी मेन साहबों की जो दादागिरी सेना में चल रही है अफसरों की, इन अफसरों ने अपनी मेन साहब लोगों को आगे कर रखा है। कहीं भी अगर कोई VIP अफसर आता है तो जूनियर अफसर अपनी मेन साहब को लोगों को वहाँ रिसेप्शन में भेज देंगे। इस प्रकार से इन लोगों ने अपनी एक यूनिटी बना रखी है। सीनियर अफसर से जूनियर अफसर तक सब एक हैं, ये मिले हुए हैं। इन्होंने सेना के अंदर फैमिलीवाद फैला रखा, परिवारवाद फैला रखा है। सेना में, सेना की कार्रवाई में इनके परिवार का कोई भागीदारी होनी नहीं चाहिए। इनके परिवार का क्या मतलब है सेना में? इनके परिवार, इनके बच्चे, इनकी फैमिलियाँ, इनकी मेन साहब लोग यहाँ कमांड कर रही हैं, उनका चल रहा है यहाँ। यहाँ वो बोलेंगे वो होगा, वो किसी को जवान को बोलेंगे इसको वहाँ भेजो, तो साहब अफसर उसी को वहीं भेजता है। क्यों? इन मेन साहब लोगों का बोलबाला है सेना के अंदर। सेना तो इन मेन साहब लोगों की उससे चल रही है, कहाँ से सफल हो सकती है, कहाँ से सक्सेस हो सकते हैं हम लोग? इनकी फैमिलियां कमांड कर रही हैं, जिनको कि फौज के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो जवानों को ब्लडी बोलती हैं, उनको सलामी मारनी पड़ती है, उनको सलूट मारना पड़ता है मेन साहब लोगों को। ऑफिसर बोलता मुझे मारो मत मारो, मेरे मेन साहब को सलूट मारो। तो ये कौन सा काम करवा रहे हो आप हमसे? हम आपके मेन साहब को सलूट मारें तो आप भी मारो हमारी मैडम को सलूट। आप हमारी मैडमों को वहाँ फैमिली वेलफेयर सेंटर में डांस करने को बोलते हैं, आपकी मेन साहब लोग हंसती हैं, आपके बड़े सीनियर अफसर आते हैं, जूनियर जवानों की मेन साहब वहाँ डांस कर रही हैं, नाच रही हैं। तो देखा आपने कि कैसे कथित जवान ने अफसरों की बीवियों पर आरोप लगाया है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं। उसने बताया कि जवानों की बीवियों को घर बुलाया जाता है और काम करवाया जाता है, जबकि काफी संख्या में जवान भी सेना के अफसरों के घरेलू कामकाज में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, सेना में फैमिली वेलफेयर के नाम पर शोषण हो रहा है। उसने आरोप लगाते हुए कहा कि फैमिली वेलफेयर में जवानों की पत्नियों को डांस भी करना पड़ता है और अधिकारियों की पत्नियां उन पर हंसती हैं। इसके अलावा सेना के अफसरों पर घोटाले का आरोप भी लगाया गया है। बहरहाल इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि इस वीडियो में दिखने वाला शख्स सेना का जवानी है या फिर कोई और। तो ऐसे ही तमाम वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब करिए, News 11 लिखिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। नमस्कार। News 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।